अरे ओ साहब, अरे लेफ्ट राइट करके बाहर आ गए अपुन हाईवे सामने। अरे मेरे बाप, गाड़ियां चेंज डालेंगे ना। मेरे जेल के प्यारे प्यारे कैदियों, मैं बहुत स्ट्रिक्ट जेलर हूँ। आज तक के इस जेल में जो होता है वही करो तुम लोग। मेरे को मालूम है तुम लोग सुधरने वाले नहीं है। मेरे को 5 साल का तजुर्बा है, क्योंकि हम अंग्रेजों को जमाने के जेलर नहीं है। साहब, अरे राम नाई, आज के जमाने के झूठे रिपोर्टर। बोल क्या खबर लाया। अरे साहब, अपनी जेल में ना सुरंग बनाने का प्लान कर रहे कैदी लोग। छोटू की जेल में सुरंग? छोटू की जेल में सुरंग? कैदियों की उत्ते मत, हवलदार फॉलो मी। सिपाहियों आधे इधर से आओ, आधे इधर से आओ, और बाकी के जेल जमा लो। अरे 4 पुलिस वाले तो रखे तुमने। ऐसा क्या? तो आधे मेरे साथ आओ और आधे जेल जमा लो। ओके। छोटू की जेल में सुरंग। लेट्स गो। अरे राम भाई, मेरे जेल के प्यारे प्यारे कैदियों, मेरे को खबर मिली है कि छोटू की जेल से भागने के लिए सुरंग बनाई जा रही है। तो ये है सुरंग बनाने का सामान। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं है। हम मेरा थोड़ी बनेंगे। मैं ये गरम सरिये को हाथ लगाने वाला नहीं है। तुमने क्या सोचा था? जो कांड मेरे नाना असरानी के साथ हुआ था वही कांड मेरे साथ करना चाहते हो? कभी नहीं। किसकी हिम्मत हुई? किसकी हिम्मत हुई छोटू के जेल में सुरंग बनाने की? आहा, आजा बा, आजा। उड़ी के मत घुमड़ के चले, मत कर, आजा। इधर आवा, इधर आ, मेरे बाजू में बैठ। अब हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। ये बोलते बोलते ये सलाई उड़ा ना, ना निकले, उड़ा। Oh no! हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर। अब बावली अंडी, तेको सलाई पकड़ने को बोला था, तूने ये क्या पकड़ लिया था? साहब, तुम्हारी घबराहट में मैंने गरम भुट्टा पकड़ लिया था। भुट्टा? आहा, भुट्टा? छोटू की जेल में भुट्टा? कहाँ से आया भुट्टा? किसने लाया भुट्टा? सारे रुक रे, छोटू की जेल में भुट्टा लाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी है? ओह नो। अरे साहब, 5,000 रुपया दिया था ना उसने एक भुट्टा लाने के, और 2,500 तुमको भी दिया था ना मैंने। ऐसा क्या? अटेंशन! आज ये जो भी हरकत छोटू की जेल में हुई है ये तुम्हारा नहीं होने वाला। भुट्टा मंगाओ पर सुरंग मत बनवाओ, है ना? फॉलो मी।
इतनी खूबसूरत जेलो आ गई अपनी जेल में। अरे चमिया जरा एक नजर इधर भी देख ले। ए चिरकुट क्या बोला रे? अरे नहीं कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि कानून इतना खूबसूरत होता है। मुझे पहले मालूम रहता तो ऐसे कानून की बहुत इज्जत करता। oh, no. उससे मैं बहुत प्यार करता, उसको अपने सीने से लगा के रखता है। मेरे प्यारे कानून, जिंदगी भर तेरे आदेश का पालन करूंगा मैं। Shut up. Oh, no. मुझसे फ्लर्ट करता है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट जेलर हूँ। अगर दोबारा तूने ऐसी हरकत की ना तुझे काल कोठरी में डाल दूंगी। काल कोठरी लॉकअप कर रहे। ओके। ये क्या कर रहा है, क्यों खोल रहा है? अरी बाली हाथ मत दुखा, इसने तेरे को नहीं मेरे को सलूट मार के गया। वो हवलदार तुमको क्यों सलूट मारेगा? क्योंकि मैं इस जेल का जेलर हूँ। इस जेल का जेलर? मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था तो तू कहीं मेरे प्यारे प्यारे कैदियों को बिगाड़ चली देगी। ओ ऐसा, तो क्या देखा तुमने? यही कि मैंने तुम्हें बुलाकर कोई गलती नहीं की। अरे बस संजीव कुमार मत बनो, ओरी को देख के पल पल मत करो ज्यादा, कम में और सीन लंबा हो रहा। अटेंशन! आहा, तो तुम समझ गई कि मैं कैसा जेलर है? आहा, समझ गई मैं कि तुम कैसे जेलर हो। आहा, बहुत समझदार ऑफिसर हो। अटेंशन! बाय मोर गोदे में उठा। खाने को दे रे मारूंगा साले खबर में। ए भैया देना रे खाने को, तेरी जात का पैदा मारो। अपन जहाँ से खड़ा होता है ना लाइन वाइन से शुरू होती है। कोई शब्द अबे अमित साहब के स्टाइल में मिथुन के थूक। मुझे लगे ना भूख। oh, no. औलाद जेल में छोड़ दिया और वहाँ उन्हर बात बताते बैठा। चल बीजे। आज हमारा चावल खाने का कोई मूड नहीं है। यो, यो। आज हम सिर्फ दाल पीएंगे। अरे बंडी कूद के खाला, तब से तू आई ना मेरे सारे कैदी बिगड़ गए। जा तू ऑफिस में दूसरा काम कर। चल हट। बाय। शायद की मक्की हो, शायद के छत्ते देख के सब उधर लटक गए थे ना। आज किसको चावल नहीं मिलेंगे, आज सबको गली डाली मिलेगी। oh, shit, oh, shit. मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ करने। दादा मैंने सुना बहुत खतरनाक कैदी आने वाला है आज अपनी जेल में। हाँ दादा मैंने भी सुना। अटेंशन, आज हमारी जेल में बहुत खतरनाक कैदी आ रहा है। जी हाँ मैं हूँ खलनायक। क्या हो साहब? तुम तो साहब थे ना हमारे। ये ऐसा कैसा हो गया तुम्हारे साथ? अबे सही बोलते मालूम कि तुम्हारे जैसे कैदियों को संभालना आसान है पर घर वाली को संभालना बहुत ही मुश्किल है। वो सब ठीक है साहब, मगर तुम्हारे साथ ये ऐसा कैसा हो गया?
मेरी पगार भी खतरे में आ गई। अरे पन साहेब, तुम तुम्हारी जेल में जेलर से कैदी कैसे बन गए? अब तुमको क्या बताऊं वा? मेरी औरत से मेरा जरा से झगड़ा हो गया था ना, तो मेरी औरत ने मेरे ऊपर 400 डल्लू का केक ठोक दी। हाय दोस्तों, दोस्तों अगर आपको छोटू की सेंट्रल जेल अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल जेके एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए।